राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जिला महिला अस्पताल में समाज कल्याण विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि एसडीएम सदर नेहा बंधु ने नवजात बेटियों के साथ केक काटकर सामूहिक जन्मोत्सव मनाया, जिसमें जनवरी माह में पैदा हुए 50 नवजात बेटियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई और नवजात शिशु बेटियों को बेबी किट, कपड़ा और पौधा वितरण किया गया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया कि बेटियों को समान अधिकार दिलाना ही राष्ट्रीय बालिका दिवस का मूल मकसद है। बेटियां पढ़ लिख कर अपने हुनर और शिक्षा के दम पर आगे बढ़ रही हैं। अभिभावकों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। आज भी बेटों के मुकाबले बेटियों की पैदाइश कम है, हमें अपनी मानसिकता और नजरियों को बदलने की जरूरत है। इस अवसर पर महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर एन के श्रीवास्तव, वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर जय कुमार, बीबी सिंह, सी के वर्मा, तुहिना दास गुप्ता, संगीता सिंह, विभूति त्रिपाठी, सुनीता चौहान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने कहा, और बच्चे और बच्चियों में जो भेद चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक महोदय के स्वागत के लिए मैं संगीता सिंह जी से जो अनुरोध करूंगा कि बैच लगाकर मैं चाहूंगा कि ऐसा ही SIC सब दब जा रहे हैं। बच्चियों से जुड़ी हो और बच्ची ओरिएंटेड हो, बालिका ओरिएंटेड हो, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में आज 32 बच्चियों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, जिसकी बच्चियां और अपने गार्जियन के साथ उपस्थित हैं। इसके अंतर्गत जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की बच्चियां जो हाई स्कूल में इंटर में टॉप करती हैं, इस योजना में उन बच्चियों को सम्मानित में जो मुखबिर योजना के अंतर्गत जो भी इसमें सूचना देते हैं उनको भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। ऐसी हमारी महिला वर्कर्स जो कि ग्राउंड लेवल पे परिवारों से जुड़ी हुई है, उसमें आशा है, इस बार शासन से निर्देश है कि बच्चियों के परिवारों को एक एक पौधा फलदार वृक्ष दिया जाए, जो बच्ची के जन्म के साथ ही उस पौधे का रोपण करें। आ जाइए आप, अंतिमा ले ली, ले ली, आप ले ले, आप ले ले सर जी, बच्ची, हाँ बच्ची कहाँ है? साजिया पिताजी हैं बच्ची के, आ जाइए। अगली लाभार्थी हमारी सोनम है, वो भी धीरे से आ जाए बगल से रास्ते से। सोनम बाप जी, हाँ सोनी, सॉरी सॉरी सॉरी, आ जाइए सर, ठीक है, बस खड़ी रहिए, खड़ी रहिए, इतना हो जाए दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाए। प्रतिवर्ष की तरह हम राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मना रहे हैं और आप लोगों को भी संज्ञान में होगा सरकार के द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बहुत ही इसमें बहुत ही इनका फोकस रहता है। इस संबंध में मुझे बोलना है कि यह जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है आज महिला चिकित्सालय में जितनी भी बच्चियों ने जन्म लिया है उनको हम उपहार दिए जाएंगे और हमने एक केक भी काटा है जैसे आप देख रहे हैं, परंतु यह जो दिवस है उसका जो एक्चुअल में क्रियान्वयन होगा वो तभी संभव है जब हम बालक बालिकाओं को समान के अधिकार से अधिकार दें, और उसके लिए ज़रूरत है कि जो बालिकाओं का जन्म होता है, बालक का जन्म होता है, उसमें हम ये कोशिश करें कि उन्हें कोई भी भेदभाव की दृष्टि से या उनका जो भविष्य है उसको संयोजित रखने के लिए उन्हें हर जो क्षेत्र है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो उनका करियर है,
तो उन सब में उन्हें समान अधिकार जब मिलेंगे तभी हमारा ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अवसर है, जो हमारा ये उत्सव है, उसको सही मायने में ये तभी सरोकार होगा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से अब सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगे उसे लेके जा रहा है, और इसमें जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जिसमें कुछ भी लाभकारी योजनाएं मिल रही हैं उसमें महिलाओं का समुचित यहाँ पे ये महिला चिकित्सालय है, ये भी एक तरह से इसका पार्ट है कि आपने महिलाओं को समुचित अवसर देने के लिए उनको उनकी उनको कुछ अव्यवस्थाएं या कुछ उनको जो समस्याओं का समाधान हो इस वजह से उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, तो वो भी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में काफ़ी उनको फायदा देगा।